नमस्कार, News20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां SID की टीम ने विगत 28 जुलाई को मुसरीगरारी थाना क्षेत्र के रामपुर पुल के पास गैस वेंडर की गोली मारकर हुई हत्या मामले का सफल उद्भेदन करते हुए घटना में शामिल अपराधियों में से 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उक्त जानकारी समस्तीपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी SH फाफी ने प्रेस वार्ता में दिया। आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सदर DSP SH फाफी ने बताया कि बीते दिनों सरायरंजन व ताजपुर थाना क्षेत्र में हुई लूट व रंगदारी की घटना तथा मुसरीगरारी थाना क्षेत्र में बीते दिनों गुरुवार 28 जुलाई 2022 को हुई गैस वेंडर की हत्या मामले के बाद पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर के निर्देश व उनके नेतृत्व में बनी SID की टीम ने घटना का सफल उद्भेदन करते हुए इसमें संलिप्त 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 7 मोबाइल, हत्या में प्रयुक्त 1 देशी कट्टा व 1 जिंदा कारतूस, 2 लैपटॉप, 1 मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान सरायरंजन थाना क्षेत्र के जितवारपुर कुम्हरा निवासी छोटेलाल शर्मा के पुत्र देवेंद्र कुमार शर्मा उर्फ नंकी नरघोघी, टोला खरबन निवासी सुदेश चौरसिया के पुत्र आलोक कुमार तथा मुसरीगरारी थाना क्षेत्र के मोरवा राय अटोली निवासी राम शकल राय के पुत्र अजीत कुमार उर्फ सनी के रूप में की गई है। सदर DSP ने बताया कि अनुसंधान के क्रम में 3 अगस्त 2022 को SID को गुप्त सूचना मिली कि हत्या लूट व रंगदारी जैसे कई मामलों का सस्पेक्ट बदमाश मोटरसाइकिल से मोरवा से गंगापुर की ओर आ रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर SID के द्वारा गंगापुर चौक पर सघन वाहन जांच अभियान चला दिया गया। इसी दौरान एक बाइक पर सवार 3 संदिग्ध पुलिस को वाहन टेकिंग अभियान चलाते देख भागने का प्रयास करने लगे, जिसे SID के टीम ने पलक झपकते दबोच लिया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 1 देसी कट्टा, 1 गोली, 7 मोबाइल, 2 लैपटॉप तथा 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि बरामद किए गए मोबाइलों में 2 मोबाइल लूटा हुआ था, 2 मोबाइल रंगदारी की मांग में प्रयोग किया जाता था। विस्तृत पूछताछ में गिरफ्तार बदमाशों ने मुसरीगरारी, सरायरंजन व ताजपुर थाने में दर्ज कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इस उपलब्धि में मुसरीगरारी थाना अध्यक्ष पंकज कुमार, सरायरंजन थाना अध्यक्ष रामचंद्र चौपाल, ताजपुर थाना अध्यक्ष ब्रज किशोर सिंह, बंगराय नैच थाना अध्यक्ष संजीव कुमार तथा DIU समस्तीपुर का योगदान काफी सराहनीय रहा। अभी तक के लिए बस इतना ही, कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए News20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। जन और ताजपुर मुसरीगरारी में कई घटनाएं थी लूट की। 28/7 को मुसरीगरारी थाना क्षेत्र के उदापट्टी में गैस वेंडर की गोली मारकर के हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक SIT टीम का गठन किया गया था। SIT टीम ने सभी घटनाओं का सफलतापूर्वक उद्भेदन किया है और इनमें गिरफ्तारियां हुई हैं और लूटे गए सामानों की बरामदगी की गई। अभी तक कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और भी कुछ लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी तक। 1 देसी कट्टा बरामद हुआ है और कई मोबाइल बरामद हुए हैं, लैपटॉप बरामद हुआ है और लूटे गए कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए। आपराधिक इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं, ठीक है, और भी आपराधिक इतिहास है, और भी आपराधिक इतिहास हम लोग खंगाल।